हेलो एवरीवन, डू यू वांट टू नो हाउ टू मेक ए टच स्क्रीन पैन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल के नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी स्मूथली चल रहा है स्क्रीन पर। किसी भी पॉइंट को जहाँ आप टच करेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से ओपन होगा जैसे आप अपने हाथ से टच करते हैं तब ओपन होता है। तो ये मैंने केवल आपको स्मूथनेस दिखाने के लिए किया। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक पुराना पेन, कैंची, सेलो टेप, और इसके अलावा एक पुराना तार, थोड़ी सी रुई, रबर वाला पार्ट हटा देना है और मेटल वाला पार्ट रह जाना है। आपको चार छोटे छोटे तार ले लेने हैं, पतले से तार लेने हैं, और उनको अमेठ कर एक दूसरे पर ट्विस्ट करके एक मोटा सा तार बना लेना है। मोटा तार इसलिए कि ये तार थोड़ा मजबूत होगा और जल्दी टूटने का डर नहीं रहेगा। तो ये देखिए, तार को हम लोगों ने अमेठ कर एक मोटा सा तार बना लिया है। चार पतले पतले तार जो इस रबर वाले तार के भीतर निकले थे, हमने उनको आपस में अमेठ कर एक बड़ा सा तार और एक थोड़ा सा मोटा तार बना लिया है। इसके बाद हम कॉटन लेंगे और कॉटन को एक पुराने पैन का जो निब है उसके आगे वाले हिस्से पर बहुत टाइटली लगाएंगे। थोड़ा टाइटली लगाना है क्योंकि अगर थोड़ा लूज़ होगा तो ये जल्दी निकल भी सकता है, इसलिए इसको हम खूब टाइटली वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद जो तार अभी हमने तैयार किया था उस तार को बहुत टाइटली इसके ऊपर हमको बांधना है। तो खूब मजबूती से इस तार को हम बांधेंगे, कहीं आसानी से निकल न जाए। और अच्छी तरह से बांधने के बाद में हम इसका जो एक सिरा है वो आगे बन जाएगा और दूसरा सिरा पैन के ऊपर लपेटते हुए पीछे तक लाएंगे, और पैन में आधे से ऊपर तक हम इसको लपेट देंगे। लपेटने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा तो हम कैंची लेकर उसको काट के अलग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला काम होना है इनके एंड्स के ऊपर टेप लगाना। तो हम एक काम करेंगे कि सेलो टेप लेकर इसके दोनों किनारों को सेलो टेप से पैक कर देंगे, जिससे कि तार आसानी से निकल न जाए। क्योंकि हम काम करेंगे तो तार ऑब्वियसली निकल सकता है, इसलिए इसके आगे वाले हिस्से पर हम मजबूती से सेलो टेप लगाएंगे कॉटन को मिक्स करते हुए, और जहां तार बंधा हुआ है उस जगह को टाइटली टेप से कवर करते हुए वो टेप हम लगा देंगे। टेप लगाने के बाद यहां भी सीज़र से इसको हम हटा देंगे, और अब आप देख सकते हो आपका रेडी है पेन। आप टच स्क्रीन मोबाइल पर या लैपटॉप पर या जिस भी टच स्क्रीन डिवाइस पर आप इसको चलाएंगे बहुत स्मूथली चलेगा। और जो बाज़ार से आप पेन लेके आएंगे 50-100 रुपए का, वो पेन और ये वाला पेन आपको कोई अंतर पता नहीं चलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इसकी कॉटन सूख जाए तो कॉटन को थोड़ा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत अच्छा काम नहीं करता। इसलिए कॉटन को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद उसको चलाइए। अगर आपको कॉटन की शेप सही नहीं आ रही है, निकल रही है, तो सीज़र लेके उसको क्रॉप करके सही कर लीजिए, और आपका पेन रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।